Yes, for latecomers, I'm repeating. I'm doing 40th illustration again. Opening capital yesterday we calculated. We were having three partners in that question. That was firstly we have Asha, right? Then we have Nisha. Yes, and then we have Disha. Right? तीनों की कैपिटल ओपनिंग हम निकाल चुके हैं. So here is the opening capital which we calculated yesterday. That was 1,60,000 of Asha, 1,40,000 of Nisha, and your Disha's capital opening was 1,00,000. I am reading the question once again. दोनों चीजों के ऊपर कहता इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं चार्ज किया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं चार्ज किया. So let's charge interest on capital here. 10% था बेटा जी. So it comes to me 16,000. Here it's 14,000 and here it will be 10,000. Right? Now I am proceeding to prepare my analysis table. But before that, I will be calculating my correct profit. What is the profit percentage? Profit देखते हैं हमारा कितना था और सही वाला profit हम लोग निकालेंगे. Profit he is giving, that is 1,00,000 given in the question, right? So 1,00,000 जब profit हो, ये वाला profit I will take back. This profit I will take back. This is wrong profit. I am going to calculate my right profit. अब उस profit में हम लोगों ने interest on capital नहीं डाला था, तो I will be calculating it. I will be adding it. And I will be deducting from the given profit. This is 16 plus 14 plus 10. 30 plus 10. 40,000 profit minus kiya. Hamara baki profit bacha 60,000. Ab us 60,000 mein, what we have to do, interest on drawings we have to add. And you know, interest on drawing, maine kaise calculate karna hai? Their drawings are given to you. 50,000, 60,000 and 50,000. Everyone knows to give. स्टार्टिंग में हमने किया ही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम. सो 50,000 का 10% 5,000, दिस इज 6,000, दिस इज अप. यहां पे मैं रुकूंगी बिकॉज सारे क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दे रखी. व्हेन डेट्स ऑफ ड्रॉइंग आर नॉट बीइंग गिवन, वी ऑलवेज अज्यूम दे हैव विथड्रॉन एट द मिडल ऑफ द मंथ. सो आई विल बी कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर 6 मंथ. तो मैं हाफ ऑफ करती जाऊंगी सबका. पूरे साल का 5,000 है तो हाफ ईयर का 2,500 होगा, ईयर 3,000 होगा और ईयर 1,500 होगा. सो व्हेन आई ऐड अप इट कम्स टू मी 7,000, राइट? 7,000 आई विल बी एडिंग. सो माय प्रॉफिट इज 67,000. बुक में से चेक कर लो, उसमें लिखा हुआ है, आपने भी नोट लिख किया ना. एज नथिंग इज मेंशन अबाउट द डेट ऑफ ड्रॉइंग, वी आर अज्यूमिंग दे हैव विथड्रॉन इट एट द मिडल ऑफ द मंथ. ठीक है. सो इन दैट केस वी ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर 6 मंथ्स. दिस इज अ हाइलाइटिंग पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? सो गिवन रेशियो ही इज गिवन टू अस दैट वी विल सी. बुक लॉस वगैरह कन्वर्ट करी जाए हमने वैसे नहीं करना. पुराने वाला प्रॉफिट उनसे वापस लीजिए और नए वाला प्रॉफिट उन्हें डिवाइड करिए. जब मैं नए वाले प्रॉफिट को डिवाइड करती हूँ, देन इट कम्स टू मी 67,000 का जब डिवाइड करेंगे 26,800, 26,800 एंड हियर इट कम्स 13,400, 52, 53, 600, right? Add करके देख लो काउंटर चेक. बुक में नहीं किया ऐसे. 7, this is 6, बिल्कुल ठीक. So 67,000 को जब 2:2:1 में डिवाइड किया, 26,800 फर्स्ट का सेम, सेकंड का और थर्ड का इनका हाफ 13,400. Now see this, this 1,00,000 I have to take back, right? तो 40,000 इससे वापस होंगी, 40,000 इससे वापस होंगी और 20,000 थर्ड वाली दिशा से वापस होंगी. सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ये याद रखिएगा. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस होल डाटा आई एम गोइंग टू प्रिपेयर देयर एनालिसिस टेबल. ठीक है, लेट्स सी द एनालिसिस टेबल. इन एनालिसिस टेबल अगेन यू विल बी मेकिंग द पर्टिकुलर कॉलम एंड रेस्ट ऑफ द थ्री कॉलम्स विल बी अबाउट योर पार्टनर्स. दैट आर आशा, दिशा, Nisha and Disha. Sequence में इतना है, we can't break the sequence. अगर sequence और name ऐसे change कर लेंगे, तो profit sharing ratio भी different हो जानी है भाई उस case में, right? Come here. Call it analysis table.
मैं कह रही हूँ बुक वाला नहीं फॉलो कर लेगा, he is converting it into loss, we will not be going with the book. Whatever was wrong, that is to be debited, and whatever is right, that you are calculating on your own, and that you will be credited. This is particulars. This is for first partner. What is the name of the first partner? That is Asha, Nisha, and Disha. This is for Asha. Is that debit or credit? Asha, this is for Nisha. Debit and credit. And the last partner was Disha. Debit and credit. Interest on capital, पहले इनको दे दें. Interest on capital at the rate of 10% is to be provided, is to be credited, लिख लीजिए ताकि आपको याद होना शुरू हो जाए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट होता है, एंड दैट बी कैलकुलेटेड 16,000, दिस इज 14,000, एंड दिस इज 10,000. फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने हाफ मंथ का, हाफ ईयर का निकाला है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी डेबिटेड. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 10% इज टू बी डेबिटेड. ये दोनों मिशन थी, अब पहले उन्हें सेटल करो. ये दोनों चीजें हम भूल गए थे डालना. सो पहले का 2500 आएगा स्टूडेंट्स, दूसरे का 3000 और तीसरे का 1500, राइट? हाँ. प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 लाख रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टू बी डेबिटेड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो 2:2:1 नाउ टू बी डेबिटेड. उनसे वापस ले लीजिए. जब उनसे वापस लेंगे तो 40,000 आशा से वापस लेना है, 40,000 की निशा से वापस लेना है, और 20,000 दिशा से वापस लेना. अब हमने अपना प्रॉफिट निकाला था आफ्टर डूइंग दिस अप्रोप्रिएशन एंड दिस इनकम. We calculated our profit 67,000. That correct profit or adjusted profit you can write. Correct profit of rupees 67,000 is now to be, see the board, is now to be credited. ठीक है जी, ये क्रेडिट करना है. दैट ऑलरेडी आई कैलकुलेटेड फॉर यू. फॉर माय फर्स्ट पार्टनर इट इज 26,800. फॉर माय सेकंड पार्टनर इट इज द सेम अमाउंट, एंड थर्ड पार्टनर इट इज 13,400. मैंने आपको दिखाया हुआ है, दोनों कॉलम्स का टोटल करिए. जिस कॉलम का टोटल ज्यादा आएगा, ग्रेटर, वो बंदा एंट्री में वही होगा. मान लो इसमें डेबिट का कॉलम का टोटल अगर ज्यादा आता है तो आशा इज गोइंग टू बी डेबिटेड, बट विद द डिफरेंस. ठीक है, लॉजिक मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे बनेगा 42,500. पहले ये सारा कर लो. ये बनेगा 42,800. चलो जी, विच साइड इज ग्रेटर? क्रेडिट इज ग्रेटर, मींस मैंने इसको देना है 42,800 और इससे लेना है 42,500. व्हाट आई विल डू, मैं ऐसे बोलूंगी 300 रुपया ले और मेरा छुटकारा कर. सो वी विल बी गिविंग टू आशा ओनली 300. डिफरेंस वी विल बी न्यूट्रलाइजिंग. जो भी इनका 42,500 का आपस में है इक्वालिटी है, दैट वी विल बी न्यूट्रलाइजिंग एंड वी विल जस्ट बी टेकिंग द डिफरेंस. नाउ कम हियर, 43,000 डेबिट साइड, और ये आपका बनेगा बच्चे 40,800. यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया देखो, 2200 है. सी 46, दिस इज 43 ना, हाँ जी, निशा का 43, दिस इज 14, ठीक है, 14, 40. तो कितना डिफरेंस हुआ, 43,000 मैंने इसे लेना है और 40,800 इसे देना है. सो हियर बाय आई विल बी राइटिंग 2200, 2200 ही बनेगा. चलो उधर चेक करो, दिस विल बी 21,500 एंड दिस इज 23,400. ठीक है, अब इसका कितना बनेगा, 1900,
1900 क्या है going to be credited because credit side is greater, right? So let's see. Done है भाई. Nisha is going to be debited with 2200. Debit है. Entry बन गई. Book से check करिए. Nisha's capital account is to be debited with 2200. To Asha's capital with 300, to Disha's capital with 1900. Again, you will be preparing the format of your journal and you will be giving a top heading adjustment in. Being an adjustment in the past for the omission of interest on capital and interest on bond. That's it. Okay, so this was the way. So here we completed our 40th illustration, which is your board question and very, very important from examination point of view. One important point you have to learn from this illustration that he wrote the date. He wrote on 31st March the capitals were. So that was a hint for us that the capitals given were the closing capital. We just converted that closing capital into the opening capital because it is a rule of my partnership and it is a rule of our accountancy even that interest on capital is always to be calculated on the opening balance of the capital. And here we go. Right? Now let me proceed to the next. Yes, this is 41st illustration. Once again, he writes the question with 31st March 2014. So whenever he gives me the last date of the year, that is a hint that the given capitals are your closing capitals. This is also a board question, right? So this time, again, upar likhi hai heading, calculation of opening caps, that is capitals, right? Aapko pura word likhna hai. So here is particulars, here is my first partner, Erin, then it is Monu and then Emma. Monu and Emma. Question tab ka bana hai jab hamare paas social value based question aate the. So social values question mein kya banti hai? All the religious persons were there in the partnership. It means ki there was no discrimination on the basis of religion etc. तब ये सोशल वैल्यू का क्वेश्चन बनता था लेकिन आज हमारे सिलेबस में से सोशल वैल्यू का डिलीट हो चुका हुआ है बट क्वेश्चन इज ओल्ड और सोशल वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछेगा ही नहीं तो तीन अलग अलग रिलीजन के पर्सन लग रहे हैं एलीन सीम्स टू बी क्रिश्चियन एंड मोनु इज हिंदू एंड अहमद माय थर्ड पार्टनर इज मुस्लिम सो दिस इज द वे ही फ्रेम्ड द क्वेश्चन बट अब हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है सो लेट मी टेल यू व्हाट एल्स ही इज डूइंग गिविंग we have the capitals that are in capitals mein profit or drawing ki adjustment ho chuki hai jab in capitals mein profit or drawings ki adjustment ho chuki hai so I will be calling it closing capital write it here particulars though it is a working note but working note comprises a marks in the paper this is closing capital he is giving me the closing capital 1,60,000 right then he is giving me 1,20,000 Then he is giving me 80,000, right? So let me tell you profit. Or profit ki percentage. Sara question padte hain bhai. He says subsequently it is discovered interest on capital or interest on drawing nahi charge kiya. Bilkul 40th illustration jaisa question hi ban raha hai. Profit hai 40,000. Aline aur Monu ki drawing de rakhi hain 24,000 in equal installment. Yes. Withdrew a total sum of 24,000 in equal installment in the beginning of each month. 24,000 total drawing है. हर महीने के beginning में withdraw करते हैं. It means कि हर महीने 2,000 withdraw किया हो. Right? और beginning में हम 6.5 महीने का interest लगाते हैं. लगाएंगे फिर से working note में इसपे calculate करेंगे. और अहमद की total drawing है. इसको 12 से multiply करने मत बैठना. Because he himself is writing a verse total withdrawal during the year. इसका 48,000 टोटल है इन ईयर राइट तो इसे जब मैं 12 महीनों में डिवाइड करूंगी तो 4,000 ईच मंथ रहा होगा बट दैट गाय इज विथड्रॉइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ जब एट द एंड ऑफ ईच मंथ होता है तो 5.5 महीनों का होता है ठीक है सो वी विल सी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की परसेंटेज 5% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है यस प्रॉफिट हैज बीन डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2/4 1/4 एंड 1/4 सो आई हैव इन द इक्वेशन 40,000 प्रॉफिट So that profit has been divided without giving the consideration to the appropriation and to interest on drawing. So 40,000, 2:1
20,000 इससे ले लीजिए वापस, 10,000 इससे और 10,000 की अहमद से, राइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज मच बेटर है ना। चलिए दिस इज प्रॉफिट, आप पहले ऐड कर लिए, माइनस करिए, दिस इज 140, दिस इज 110, दिस इज 70, राइट। सो ऐड ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितनी कितनी दे रखी हैं, एलीन और मोनू की सेम है, एलीन और मोनू की 24,000 और अहमद की 48,000, drawings we add up in order to calculate our opening capital, it comes to me 144, it comes to me 134, it comes to me 180. So this is my opening capital, students. On this opening capital, I am supposed to give them interest capital, and that he is giving me in the question, profit is 20 and the drawings are 24. So what I did, 160 drawings are to be added, मैंने वही किया, और profit मैंने deduct करना है, so it is not 144, it is 164 भाई, so after that 134 matching with the book, so this is your opening capital students, 10% is to per interest on capital था, at the rate of 10%, so this comes to me 16,400, this is 13,400, ये याद रखिएगा. This is 18,800. So this is one of your important working notes. I completed. Now let me proceed to the interest on drawings. I will just be erasing first and second columns. Aline or Manu ka same interest on drawing hoga. And interest on drawing ki percentage 5% hai. They both are withdrawing at the beginning of the month, right? Iske aur complicated banata to kisi ek ka middle mein kya jata. बट क्योंकि मिडिल में सबको पता है 6 महीने का ही रहता है, तो ही पुट इट फॉर द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एलीन्स ड्रॉइंग दैट इज 24,000 इनटू 5%, राइट, इनटू साढ़े छह महीने, डेसिमल हटा दीजिए, 120 कर दीजिए उससे नीचे, सारे केसेस किए हुए हैं ये हमने, 2, सो दिस इज 650, एलीन और मोनू का भी 650 आएगा, अगले का मैं डबल अगर कर दूं तो 1300 आ, बिकॉज द अमाउंट वाज डबल, दैट वाज 14,000, सो लेट मी चेक फ्रॉम योर बुक एंड हैव आई कैलकुलेटेड करेक्टली, यस बिल्कुल ठीक, एंड द थर्ड पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही इज कैलकुलेटिंग 1100. Let me calculate it. How come 1100? 1100 ही होगा. 5.5 महीने ना, आप नहीं कर सकते थे सीधा, पर पोस्टेड नहीं कर सकते. Interest on, this is Monu's drawing हो गया. Monu का same. Interest on Ahmed's drawing. Calculate ही करना पड़ेगा बेटा जी. 48,000 into 5% into 5.5 महीने, decimal हटा दीजिए नीचे, 120 कर दीजिए. ये 4 पे गया, 20, बिल्कुल ठीक है, 20 को 55 से मल्टीप्लाई किया, 1100. सो इन आवर बुक ही हैज कैलकुलेटेड लाइक दैट वे. एलीन और मोनू का 650 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रहता है वो पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट होगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट होगा. पुराने वाला प्रॉफिट मैं उनसे वापस ले लूंगी 40,000. अगेन ही डिड द क्वेश्चन विद द लॉस, कन्वर्शन ऑफ लॉस, नो, we will be taking back the old profit and we will be calculating our own profit. Let me tell you how I will be calculating my own profit. जो 40,000 profit है, उसमें से आपने interest on drawings minus नहीं करी, तो अब करिए 29,800. एक ये minus किया, 0, 0, this is 2, this is 0, right? This is 3. 10,200 ये तो लॉस बनने वाला है, लेकिन उससे पहले हम लोग, चलो कोई बात नहीं, और ये नेगेटिव में आएगा, राइट, 11,800 में से 10,200 माइनस कर, 0, 0, दिस इज 1600, और इधर टोटल कितना बना बेटे, ये इनकम है 650, दोनों को ऐड किया 1300 में 1100 ऐड किया 2400, तो 2400 आपकी इनकम है, 800 आएगा प्रॉफिट,
means 800 is your correct profit and 40,000 is your wrong profit. So 800 you will be taking back and 40,000 you will, sorry, 800 you will be giving to them. In which ratio? 2:1:1 and 40,000 you will be taking back. क्यों हुआ ऐसा? इतना लिटिल बिट प्रॉफिट क्यों रह गया? Because appropriation was greater in amount, right? One is getting 16,400, another is getting 13,400, and then we have 11,800, right? So this is the way. Any doubt to anyone you may ask? Any confusion? Any doubt you may ask?